आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे आपको यहाँ पे कई टॉपिक मिलेंगे जहाँ से कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता रहता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल की सहायता से। पहली बात तो आप सब समझ गए होंगे कि इस क्लास में हम लोग मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स को करेंगे, तो इसमें हम लोग एग्जाम्पल्स की सहायता से चीज़ों को सॉल्व करके देखेंगे, तब जाके आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे इसमें अर्थशास्त्र में रैखिक फलनों का उपयोग किस प्रकार से होता है। ठीक, अर्थशास्त्र में रैखिक फलनों का उपयोग कैसे होगा, तो इस टॉपिक को हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। और कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, तो आपको ऐसे सारे टॉपिक क्लियर रखने हैं एग्जाम से पहले, ताकि आपको एग्जाम हॉल में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो। तो अब ये इतनी थ्योरी पढ़ने की कोई विशेष जरूरत नहीं कि ये तो ठीक है, आपको नोट्स भी मिल गया होगा, तो आप वहां से इसको कर सकते हैं कि अर्थशास्त्र में रैखिक फलनों और सरल रेखा के समीकरणों का उपयोग काफी ज्यादा है, साथ ही साथ किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होती है। तो अगर हम लोगों को इसमें इसमें क्या दिया होता है, हम लोगों को एक मांग और एक पूर्ति फलन ये दे दिया जाता है, और इसी की सहायता से साम्यवस्था के बिंदु पे हम लोगों को कीमत और मात्रा को ज्ञात करना रहता है। क्या ज्ञात करना होता है, कीमत और मात्रा को। तो मान लीजिए यहाँ पे दो इक्वेशन दे दिए, एक दे दिया मांग फलन और इसकी वैल्यू कितना दिया है 16 - 4p, और दूसरा क्या दिया है सप्लाई फंक्शन मीन्स पूर्ति फलन और इसमें क्या दिया है 8 + 4p। अब आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इन दोनों की सहायता से संतुलन या साम्यावस्था की स्थिति में आपको क्या बताना है। आपको यहाँ पे बताना है क्यू वस्तु की मात्रा और पी वस्तु, ये दोनों जो इस इक्वेशन में क्यू जो ये बता रहा है वस्तु की मात्रा को और पी बता रहा है वस्तु की कीमत को। तो यहाँ पे संतुलन की अवस्था में आपको पी और क्यू की वैल्यू को ज्ञात करना है। तो चलिए अगले पेज में हम लोग इसको देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक, तो अब हम लोगों को क्या करना है, दोनों इक्वेशन की सहायता से साम्यावस्था में क्या ज्ञात करना है। हम लोगों को साम्यावस्था में ज्ञात करना है कीमत और पूर्ति की मात्रा। तो चलिए दोनों इक्वेशन को बराबर करते हैं, 16 - 4p = - 8 + 4p, और इतना तो बेसिक मैथमेटिक्स सबको आता ही होगा। तो ये जो है 4p, इधर इसको ले जाइए, चाहे इसको इधर ले जाए चाहे उसको उधर ले जाए, बात बराबर है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 8p = 24, और यहां से फाइनली आपको पी की वैल्यू कितनी प्राप्त हो रही है, 3 प्राप्त हो रही है। दोनों इक्वेशन को आपको बराबर करना, और दोनों इक्वेशन को आपने जब बराबर कर दिया तो आपको पी की वैल्यू कितनी मिल रही है, 3 मिल रही। अब इस पी की वैल्यू को इक्वेशन एक में आप जो है पुट कर दीजिए। इक्वेशन एक के अकॉर्डिंग क्या था, q = 16 - 4p, तो p की वैल्यू कितनी निकली, 3 निकली है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हम लोगों ने रख दिया, तो ये हो गया 16 - 12 = 4। फाइनली आपके पास p की वैल्यू 3 प्राप्त हो चुकी है और q की वैल्यू 4 प्राप्त हो चुकी है। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग यही दोनों आपके आंसर होंगे, यानी कि साम्यावस्था में यहाँ पे कीमत 3 और मांग और पूर्ति की मात्रा जो होगी ये 4 इकाई के बराबर होगी। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर आता है तो मुझे उम्मीद है कि आप सब इसको जरूर कर ले जाओगे। इसमें सिंपली आपको डिमांड और सप्लाई दोनों फंक्शन को बराबर कर देना, उसके बाद वहां से पी की वैल्यू निकाल लोगे, और फाइनली जो है ये जो वैल्यू आएगी इसको एक इक्वेशन में पुट कर दोगे, तो वहां से जो है फिर आपका दूसरा वैल्यू भी प्राप्त हो जाएगा। तो एक तरह का क्वेश्चन तो ये हो गया। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे आपको 3 सवाल दिए गए हैं। ठीक, तो इन तीनों में से एक तो मैं कर दे रहा हूं और ये बाकी के दो आप जो है खुद से कीजिएगा। तो एक क्या बोल रहा है कि यहाँ पे डिमांड फंक्शन आपको दिया 15 - 3p, और सप्लाई फंक्शन कितना दिया है 10 + 2p। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये 15 तो अपनी जगह इधर ही रहेगा, और ये जो 10 इस साइड में है मीन्स राइट साइड में है, ये जब लेफ्ट में आएगा तो ये पॉजिटिव होकर के आएगा, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 2p। यहाँ पे पहले से है, और ये जो इधर -3p है,
जब ये राइट साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 3p। यहां से इसकी वैल्यू कितनी हो रही, इसकी वैल्यू हो रही 25 और इसकी वैल्यू हो रही है 5p। तो यहां से आपको p की वैल्यू कितनी मिली, यहां से आपको p की वैल्यू मिल रही है 5, ठीक, मींस 5। अब इस 5 की वैल्यू को आप क्या कीजिए, इसमें रख दीजिए, मींस इक्वेशन 2 में रख दीजिए। ये -10 अपनी जगह रहेगा और ये जो 2 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 5 से, तो ये -10 तो पहले से है और ये क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा। तो दोनों फिर ये कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक। आप अगर ये वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में रख देते तब भी जो है इसकी वैल्यू सेम आती, क्योंकि साम्यावस्था में दोनों बराबर होते हैं। तो चाहे आप इक्वेशन 1 में रखिए चाहे इक्वेशन 2 में रखिए, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। तो यहां से साम्यावस्था में आपको मूल्य और मात्रा कितना मिला, मूल्य आपको मिला है 5 और मात्रा जो है 0 यानी कि 0 के बराबर प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार से आप अगला क्वेश्चन भी कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो, और कहिए तो उसको भी हम लोग कर सकते हैं। चलिए पहले इसको हम साफ करते हैं। उम्मीद है कि चीजें आप सबको समझ में आ रही होंगी, अच्छे से समझ में आ रही होंगी, और थोड़ा सा टाइम देंगे इस वीडियो में तो काफी सारे डाउट्स, काफी सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी, आसानी से चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। तो अब हम लोग करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है कि यहाँ पे डिमांड फंक्शन दिया हुआ है, इसकी वैल्यू है 12 -2p और सप्लाई कितना दिया, -20 -4p। अब क्या करेंगे, ये 12 इधर रहने दीजिए और ये 20 जो है इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये प्लस में होके आएगा, ये -4p इधर रहेगा और जो है ये -4p इधर ही रहेगा, और ये जो -2p है जब ये इधर आएगा तो ये प्लस में आएगा, ठीक। तो यहां से फिर क्या हो रहा, यहां से ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा आपका -2p, मीन्स यहां से जो पी की वैल्यू हो रही वो कितनी निकल के आ रही, -16, ठीक, -16 निकल के आ रही है। इस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत फॉल्ट की कही जा सकती है क्योंकि प्राइस कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, तो मे बी ये क्वेश्चन रॉन्ग हो, बट आपका तरीका सही होना चाहिए और वो सही है। अभी क्या करेंगे हम लोग, मान लीजिए इसमें इसकी वैल्यू चलिए पुट कर देते हैं, तो ये -20 पहले से है और ये -4 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे -16 से, ये -20 रहेगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +64 हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस माइनस होगा तो इसकी जो वैल्यू आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है 44। तो यहां पे प्राइस कितनी मिल रही, -16 और क्वांटिटी कितनी मिल रही, 14। हालांकि आपका तरीका ये बिल्कुल सही है लेकिन प्राइस जो है ये निगेटिव नहीं हो सकती, तो इस पे क्वेश्चन मार्क किया जा सकता है इस क्वेश्चन पे। इसी तरह से आपका सेम तीसरा वाला भी क्वेश्चन होगा, इसको भी चलिए करके दिखा ही देते हैं ताकि चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आपसे फिर कोई भी गलती ना हो, क्योंकि क्या पूछ लेगा क्या नहीं पूछेगा, तो सारे तरह के क्वेश्चंस के लिए आप तैयार रहिए कि कोई भी बाधा अगर आ जाए एग्जाम में तो फिर आपको वो परेशान ना करने पाए, ठीक। हाँ, ये साफ हो चुका है। तो इसके अकॉर्डिंग डिमांड फंक्शन कितना है, 50 -4p सप्लाई, 2 + 10p - p². चलिए इसको नए तरीके से हम लोग करते हैं। देखिए ये जो पी स्क्वायर है जब ये लेफ्ट साइड में आएगा तो ये प्लस में होके आएगा, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब हम लोग ये -4p यहां पे रहने देंगे और ये जो +10p है इधर आएगा तो माइनस में आएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा, ये +50 इधर पहले से है लेफ्ट साइड में और ये प्लस में है इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा और इधर हम लोग कर देते हैं 0। तो ये आपका इक्वेशन क्या बना, पी स्क्वायर, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 14p, और ये प्लस में कितना हो जाएगा, 48, मीन्स 48। ये इक्वेशन आपको मिलता है, ठीक। अब इस इक्वेशन को चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, चलिए इसको अगले पेज में सॉल्व करें
ताकि फिर चीजें आपको अच्छे से समझ में आए। तो इक्वेशन आपको याद रखना है, इक्वेशन क्या है, पी स्क्वायर माइनस 14p प्लस 48 इक्वल टू जीरो। सबसे पहले चलिए इस इक्वेशन को हम लोग लिखते हैं, पी स्क्वायर माइनस 14p प्लस 48 इक्वल टू जीरो। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब इतना मैथमेटिक्स आपको लगाना है, 8p माइनस 6p प्लस 48 इक्वल टू जीरो। यहां से p को कॉमन लिया तो ये हो गया p माइनस 8, और यहां से माइनस 6 को कॉमन लिया तो ये हो गया p माइनस 8 इक्वल टू जीरो। फिर यहां से क्या मिला, एक तो हो गया p माइनस 8 और दूसरा क्या हो गया, p माइनस 6। तो इसके अकॉर्डिंग आपकी p की दो वैल्यू निकल के आएंगी, एक तो आएगा p इक्वल टू 8 और दूसरा आएगा p इक्वल टू 6। अब इन दोनों वैल्यू के आधार पे आपको दो अलग अलग मात्राएं प्राप्त होंगी। तो मान लीजिए पहली बार आपने ले लिया, पहली बार आपने क्या लिया, एक ले लीजिए p इक्वल टू 8। चलिए फिर से हम लोग उस पेज में आते हैं p इक्वल टू 8 के साथ, जस्ट पिछले वाले पेज में हम लोग पहुंच चुके हैं। यहां पे p इक्वल टू 8 के साथ अगर देखा जाए तो कैसे हम लोग करेंगे इसको, किसी भी एक में रख दीजिए, मान लीजिए इस पहले वाले में हम लोग रख देते हैं जिसमें है d इक्वल टू 50 माइनस 4p, तो इसमें 50 हो जाएगा और कितना लिया p की वैल्यू, 8 के बराबर लिया, माइनस 4 इंटू 8, ठीक। तो ये कितना हो गया, फिर ये हो गया 50 माइनस 32, अब ये कितना बचा, 18। तो p की वैल्यू 8 लेने पे मात्रा कितनी मिली, 18। अगर p की वैल्यू आप 6 ले लोगे तो क्या होगा, 6 लेने पे 50 माइनस 24 मीन्स 26। तो दोनों वैल्यू से आप जो है इसको कर सकते हो। तो यहां तक उम्मीद है कि चीजें आपके समझ में आ जाएंगी। अब अगला हम लोग पहुंच चुके हैं यूलर थ्योरम, यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको भी चलिए देख लेते हैं क्या होता है यूलर थ्योरम। यूलर प्रमेय ये बताती है कि जब सभी उत्पत्ति के साधन एक दिए हुए अनुपात में बढ़ाए जाएं, तो परिणाम स्वरूप उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगा, और यदि प्रत्येक उत्पत्ति के साधन को उसकी सीमांत उत्पादकता के मूल्य के बराबर पुरस्कार दिया जाता है तथा कुल उत्पादन पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। गणितीय रूप में यूलर प्रमेय को हम लोग कैसे लिखेंगे, पी इक्वल टू एल डेल्टा पी अपान डेल्टा एल प्लस के डेल्टा पी अपान डेल्टा के। यहां पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी इक्वल टू एल एम पी एल प्लस के एम पी के। यहां पे एल और के ये क्या हैं, ये दोनों उत्पादन के दो साधन हैं, ठीक। तो इसको याद आपको ध्यान में रखना। तो इस तरह से आप जो है यूलर्स प्रमेय को लिख सकते हो। अब यूलर्स प्रमेय के बारे में कुछ और पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे पी क्या बता रहा था, कुल उत्पादन को, यल बता रहा था श्रम साधन की इकाइयों को, के बता रहा था पूंजी साधन की इकाइयों को, और डेल्टा पी अपान डेल्टा यल, या फिर ऐसे इसको बोलिए कि एम पी एल, ये क्या बता रहा, ये बता रहा श्रम की सीमांत उत्पादकता को। इसी प्रकार से डेल्टा पी अपान डेल्टा के, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हो आप कि एमपीके क्या बता रहा, पूंजी की सीमांत उत्पादकता को। तो आप समझ चुके होंगे कि यूलर्स प्रमेय में कौन कौन से जो पॉइंट है इससे क्या मतलब होता, कौन क्या बता रहा था। इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातों को, कुछ मान्यताओं को देख लिया जाए, जैसे कि यूलर्स प्रमेय में पैमाने के स्थिर प्रतिफल का नियम क्रियाशील होता है, और यह तभी संभव होता है जब उत्पादन फलन रेखीय समरूप तथा एक कोटि की होती है। इनको आपको ध्यान में रखना। इसमें एक और मान्यता है कि बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता या पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति पाई जाती है। साथ ही साथ ये उत्पत्ति के साधन की विभाज्यता की मान्यता को लेकर चलती है यूलर थ्योरम, और दिए हुए समय के लिए तकनीकी यहाँ पे स्थिर होती है। तो इस तरह से यूलर थ्योरम को और अच्छे से आप समझ सकते हो। नेक्स्ट है इसमें
सीईएस उत्पादन फलन काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिन लोगों ने देखा है तो आपको पता होगा कि इससे क्वेश्चन जो है पूछता ही रहता है। सिंपली इसमें क्या पूछेगा, आपके सामने एक फंक्शन दे दिया जाएगा और उसमें से पूछेगा कि इसमें से कौन सा क्या दर्शा रहा। फिलहाल में कभी कभी ये भी पूछ लिया कि सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन को किसने किसने दिया है। तो ये सारे टॉपिक, ये सारे पॉइंट भी आपको ध्यान में रखने और सारी चीजें यहाँ पे मैं क्लियर कर दूंगा। कार्ल डगलस उत्पादन फलन में ये बताया गया कि प्रतिस्थापन की लोच सदैव इकाई होती है, लेकिन हम लोग यहाँ पे जब सीईएस उत्पादन फलन को पढ़ेंगे तो इसके अनुसार प्रतिस्थापन की लोच स्थिर होती है। ठीक, सीईएस उत्पादन फलन में प्रतिस्थापन की लोच क्या होगी, कांस्टेंट होगी। इसमें ऐसा आवश्यक नहीं है कि प्रतिस्थापन लोच इकाई के बराबर हो। ठीक, तो ये जो है कांस्टेंट होगी यानी कि स्थिर होगी, और यह स्थिर प्रतिस्थापन लोच उत्पादन फलन के नाम से जाना जाता है। इसके नाम से ही स्पष्ट है सीईएस उत्पादन फलन या स्थिर प्रतिस्थापन लोच उत्पादन फलन। अब इसको दिया किसने किसने, तो इसमें कई सारे अर्थशास्त्रियों का योगदान है, जैसे कि केनेथ एरो, ठीक, केनेथ एरो, चेनरी, बी एस मिन्हास और आर एम सोलो। शॉर्ट में इसे ए सी एम एस फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है, ए सी एम एस। ए मीन्स एरो, सी मीन्स चेनरी, एम मीन्स मिन्हास और एस मीन्स सोलो। तो ए सी एम एम एस फंक्शन के नाम से आप इसको जान सकते हो, और ए का मतलब हुआ एरो, सी का मतलब हुआ चेनरी, एम का मतलब हुआ मिन्हास और एस का मतलब हुआ सोलो। ठीक, तो ये चार लोगों ने मिलकर के इसको दिया। बाद में कुछ और अर्थशास्त्री इससे संबंधित आए, उन्होंने भी अपना इसमें योगदान दिया, जैसे कि एम ब्राउन, डी कैनी आदि लोग। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण है वो यही चार नाम है, ए सी एम एस। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखना है और याद रखना है। आगे इसको चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको दर्शाया जाएगा और कैसे जो है इससे क्वेश्चन पूछता है। तो ए सी एम एस फंक्शन को हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक, अब यहाँ पे जो P है, P दर्शा रहा है उत्पादन को। C क्या है यहाँ पे, ये C आप जो देख रहे हो ये C है पूंजी साधन। N क्या है, श्रम साधन, N यहाँ पे है। ठीक, N क्या हो गया, श्रम साधन। अल्फा क्या है, प्रतिस्थापन पैरामीटर, सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर, और अल्फा आपको यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है और एक यहाँ पे भी दिख रहा है सी के ऊपर। तो अल्फा क्या है, सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर, प्रतिस्थापन पैरामीटर। ये जो आप देख रहे हो इसे गामा बोलते हैं। तो ये क्या है, ये है तकनीकी कुशलता गुणांक या कुशलता पैरामीटर। ठीक, तो ये क्या है, कुशलता पैरामीटर। जैसे कार्ल डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में आपने देखा था वहां पे एक ए का प्रयोग किया जाता था। ठीक, तो उसी तरह से यहाँ पे किसका प्रयोग किया जा रहा है, गामा का प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ पे लिखा भी है सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन में कार्ल डगलस में जैसे ए का प्रयोग किया जाता था, तो उसी तरह यहाँ पे जो है इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद एक जो ये निशान आप देख रहे हो कुछ इस तरह से, और ये कहाँ कहाँ है, एक तो यहाँ है। ठीक, तो ये क्या है, ये है पूंजी तीव्रता गुणांक, पूंजी तीव्रता गुणांक। और कार्ल डगलस फंक्शन में इसको कैसे, कार्ल डगलस फंक्शन में इसको अल्फा की तरह दिखाया गया था। तो और सारी चीजें चलिए इनके इक्वेशन में और कुछ हम लोग समझ लेते हैं, पहले इसको साफ कर दिया जाए। हाँ, पहली चीज जो गामा की वैल्यू होगी ये जीरो से अधिक होगी। इसकी वैल्यू जो हो रही है ये जीरो से अधिक है लेकिन एक से कम है, और अल्फा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू माइनस वन से अधिक है। तो ये तीन पॉइंट और आपको याद में रखना। यहां पे वन माइनस ये क्या बता रहा है, श्रम तीव्रता गुणांक, लेबर इंटेंसिटी कोएफिशिएंट। स्मॉल वी क्या बता रहा है, स्मॉल वी समरूपता कोटि को दर्शा रहा है, डिग्री ऑफ होमोजेनिटी। आगे चलिए देखते हैं सीएस उत्पादन यानी कि सीएस प्रोडक्शन फंक्शन के कुछ गुणों को, जैसे कि यह उत्पादन फलन रेखीय और समरूप होती है, और प्रतिस्थापन की लोच यहाँ पे क्या होगी, स्थिर होगी। ठीक, प्रतिस्थापन की लोच यहाँ पे स्थिर होती है। अगला है सीएस के सीमांत उत्पाद सदैव धनात्मक होते हैं, अर्थात शून्य से अधिक होंगे और कभी भी ऋणात्मक नहीं होते हैं। नेक्स्ट है
उत्पादन फलन के सीमांत उत्पादन वक्र नीचे की ओर गिरते हुए होते हैं। अब ये आपको याद रखना है, ठीक। उत्पादन फलन के सीमांत उत्पादन वक्र नीचे की ओर गिरते हुए होते हैं, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन शायद 2018 में पूछा है। 2018 के जो दो एग्जाम थे, एक आपका जुलाई वाला, दूसरा दिसंबर वाला, तो दो में से शायद किसी एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। वहां पे SCES प्रोडक्शन फंक्शन का कोई भी उल्लेख नहीं था, लेकिन जो क्वेश्चन था वो कुछ इस तरह से था। तो आप देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर का वो क्वेश्चन, यहाँ से रिलेटेड वो आया था। नेक्स्ट है, अब हम लोग पहुंच चुके हैं कि हम लोग इकोनॉमिक्स में कैसे अवकलनों का प्रयोग करेंगे, मींस इकोनॉमिक्स में अवकलन का कहां कहां पे प्रयोग होता है और इसकी सहायता से हम लोग कौन कौन से इक्वेशन कर सकते हैं, यानी कि कैसे अवकलन के द्वारा हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो अर्थशास्त्र में लोच निकालने के लिए सबसे पहले अवकलन का प्रयोग, ठीक। तो चलिए, अच्छा लोच को चलिए हम लोग आगे अब देखते हैं कि कैसे निकाला जाएगा। सीधे एग्जाम्पल को देखेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे और उसको सॉल्व करके समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है डिमांड फंक्शन और क्या दिया हुआ है, कीमत दिया हुआ है, और इन दोनों के दिए हुए होने पे आपसे पूछ क्या रहा है, मांग की लोच। चलिए इसको सॉल्व किया जाए। मांग की लोच निकालने का सबसे पहले फार्मूला आपको पता होना चाहिए, मैक्सिमम लोगों को याद भी होगा, ये कोई कहने और पूछने वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है Q का एक इक्वेशन, ये है 300 माइनस 4P स्क्वायर। अब सबसे पहले आप क्या कीजिए कि यहाँ से dQ/dP इसको ज्ञात कर लीजिए। तो जब आप इसका अवकलन करोगे 300 माइनस 4P स्क्वायर अपान dP, ये तो हो जाएगा जीरो, तो इसकी तो वैल्यू छोड़ दीजिए। उसके बाद ये 4 रहेगा और ये जो पावर में है, पी के पावर में है, ये आ जाएगा इधर, और ये मीन्स ये कितना हुआ, -8P। जिन लोगों ने अवकलन पढ़ा है वो आसानी से समझ गए होंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी मिल गई, 8P मिल चुकी है। अब क्या करेंगे हम सीधे फार्मूले में, चलिए सारी चीजों को पुट कर दिया जाए, पूरी की पूरी वैल्यू। तो देखिए ये हुआ इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड का, चलिए मैं ये सारी चीजों को सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, और एक क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो बाकी को फिर आप खुद से कर ले जाओगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले dQ/dP ज्ञात किया, और Q हम लोगों को पहले से दिया, dQ/dP प्राप्त कर लिया, P की वैल्यू भी दे रखा। तो चलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम लोग निकालते हैं, और इसके अकॉर्डिंग है P/Q। फार्मूला क्या बोलता है, P/Q, P को यहाँ पे रख दिया और Q की वैल्यू जो दिया है 300 माइनस 4P स्क्वायर, इसको रख दिया। उसके बाद क्या होता है, dQ/dP की वैल्यू हम लोगों ने कितना लिखा ना, -8P। सबको मल्टीप्लाई करोगे जब आप, तो ये आपका कितना हो जाएगा, -8P यहाँ पे हुआ, ठीक। तो ये हो जाएगा -8P स्क्वायर अपान 300 माइनस 4P स्क्वायर। अब आपको क्या करना, अब आपको करना है कि जो P की वैल्यू दे रखी है 2, उस 2 की वैल्यू को यहाँ पे पुट करना। माइनस 8 अपनी जगह रहेगा और ये हो जाएगा 2, और 2 का स्क्वायर मीन्स 4, और नीचे क्या हो जाएगा, ये तो अपना 300 रहेगा और ये 4 रहेगा, बाकी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा फिर से यहाँ पे 4। तो ये हो जाएगा -32/300 -16। तो अब आगे इसमें क्या होगा, अब ये आपका -32 रहेगा, ठीक, और ये जो 300 में से आप 16 निकालोगे तो ये कितना बचेगा, ये आपका बचेगा 4, ये आपका कितना हो जाएगा 4, और ये आपका बचेगा 8, और ये 284। तो ये आपका बचेगा, इसको आप और अच्छे से सॉल्व कर लोगे तो आपका और जो है कम से कम वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, 292 यहाँ पे नहीं होगा, ठीक, तो ये गलत है। आपको इसकी सहायता से अपना शॉर्ट में वैल्यू निकाल लेना, नहीं तो आप इतना भी करके चले जाओगे -32/284 तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो मांग की लोच, ठीक। आगे चलिए हम लोग करते हैं सीमांत आगम और मांग की लोच। ये एक जो है फार्मूला होता है, और इस फार्मूले से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपको इसमें से कोई एक वैल्यू दे दिया और दूसरी वैल्यू आपको ज्ञात करना। सिंपली हम लोग क्या जानते हैं, टोटल रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी, मीन्स TR इक्वल टू P इंटू Q।
यहाँ पे पी क्या बता रहा है? पी बता रहा है मूल्य को और क्यू बता रहा है मात्रा को। तो इतना तो क्लियर है ना कि ये हो गया फार्मूला। कुछ लोगों को इस फार्मूले में कभी कभी दिक्कत हो जाती है, भूल जाते हैं, तो यहाँ पे आपको इस तरह की कोई मिस्टेक नहीं करना। अब जो है, अगर आपको मान लीजिए यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है, मीन्स एमआर निकालना, तो एमआर निकालने का सिंपल सा फार्मूला है कि आपको टोटल रेवेन्यू जो है उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन करना है, मीन्स क्या करना है, अवकलन करना है। ठीक, तो अगर आप अवकलन कर देते हो टीआर का तो आपको एमआर की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, मीन्स मिल जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे टीआर का अवकलन किया गया है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप एमआर को देख सकते हो कि एमआर कैसे आपका ज्ञात किया जाएगा। अब अगली चीज आपको क्या देखना है, अगली चीज आपको देखना है ये रिलेशन दोनों के बीच का। बाकी जो ये बीच में मैथमेटिकल पोर्शन है उसको आपको बहुत देखने की जरूरत नहीं। यहाँ पे आपको ये फार्मूला याद रखना है कि एम आर इक्वल टू ए आर ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपान ED, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये फार्मूला आपको याद रखना। तो वहां से तो वो मिला था। अब उसके बाद, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मांग की लोच क्या होती है, सदैव ऋणात्मक होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो वैल्यू होगी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये हमेशा जो है क्या होगी, नेगेटिव में होती है। ठीक, तो जब ये नेगेटिव में होगी तो जो हम लोगों ने अभी जस्ट फार्मूला निकाला था एम आर इक्वल टू ए आर ब्रैकेट में था 1 प्लस 1 अपान ED, अब यहाँ पे ईडी जब निगेटिव हो जाएगा तो इस निगेटिव के कारण ये वैल्यू भी निगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे जो अगला आपका फार्मूला मिलेगा अंतिम निष्कर्ष वाला, वो ये मिलेगा एम आर इक्वल टू ए आर 1 माइनस 1 अपान ED, मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और ये फार्मूला आपको बिल्कुल ही अच्छे से याद रखना है। अब इसमें क्या आपसे पूछ सकता है, मान लीजिए आपको एम आर की वैल्यू दे दिया और ए आर की वैल्यू दे दिया, आपसे पूछ लिया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू दे दिया, इसकी वैल्यू दे दिया, आपसे पूछ लिया एमआर, मीन्स अगर आपको यह फार्मूला याद है तो कुछ भी दे दे, फिर आप मैथमेटिकल अपना थोड़ा बहुत इधर उधर करके क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो कुल मिला के मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स में सबसे जरूरी जो खेल है वो किसका है, फार्मूलों का है। तो इस फार्मूला को आपको याद रखना है। आगे चलिए देखते हैं कि कुल लागत से सीमांत लागत और कुल आगम से सीमांत आगम कैसे निकलेगा। देखिए, सीमांत लागत निकालने के लिए सिंपली आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन करना है टोटल कास्ट का। ठीक, इसको कहीं कहीं ये भी लिखा होता है सी, तो इसे बिल्कुल घबराना नहीं है, सी और टीसी लगभग एक बराबर होते हैं। उसके बाद अगर आपको टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है और आपको मार्जिनल रेवेन्यू निकालना, तो ये मैंने अभी अभी बताया। ठीक, इसकी सहायता से आप क्या कर सकते हो, मार्जिनल रेवेन्यू को निकाल सकते हो। तो ये फार्मूले भी दोनों आपको याद रखने हैं। और इन सारे के सारे फार्मूले आपका कहाँ पे यूज होंगे, मैथमेटिकल पोर्शन के जो क्वेश्चन आएंगे वहां पे यूज होंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे आपको टोटल कास्ट फंक्शन दिया हुआ है और आपको निकालना क्या है, मार्जिनल कॉस्ट। सिंपल सी बात है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन कर दीजिए, मार्जिनल कॉस्ट को क्या करोगे, टोटल कास्ट का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन। अब यहाँ पे आप लिख लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है, 15 प्लस 10Q माइनस 9Q² प्लस Q³ अपान DQ। चलिए इसको कर लिया जाए, ये क्या हो जाएगा, 15 तो हो जाएगा आपका जीरो, तो उसको तो जाने दीजिए, ये हो जाएगा आपका 10 माइनस, ये 9 अपनी जगह है और ये जो पावर वाला 2 है ये आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक क्यू यहाँ पे हो जाएगा, प्लस पावर का 3 इधर आएगा और क्यू की एक पावर कम हो जाएगी। तो फाइनली आपको कितना मिलता है, आपको मिलता है 10 माइनस 18Q प्लस 3Q² जो कि यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। अब यहाँ पे सपोज कीजिए आपको क्यू की वैल्यू पहले से दे रखा होता, 3 दे दिया होता या कुछ भी दे दिया होता, तो इस वैल्यू को आप यहाँ पे अगर पुट कर देते तो इसका जो है फिक्स वैल्यू आ जाता, मान लीजिए कुछ भी आ जाता, 40 आ जाता, 50 आ जाता, जो भी आता। तो अगर ये वैल्यू आपको दिया है, यहाँ पे आप इसको पुट कर दोगे तो आपका काम फिर इस तरीके से भी हो जाएगा। अगला टाइप चलिए हम लोग करते हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको रेवेन्यू वाला,
मीन्स आपको टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है, टोटल रेवेन्यू आपको दिया हुआ है TR कितना दिया है 6Q माइनस 9Q स्क्वायर। यहाँ पे आपको निकालना क्या है, यहाँ पे आपको निकालना है मार्जिनल रेवेन्यू में सीमांत आय। सिंपल सी बात है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन करेंगे इसका तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 18Q। ये आपने MR निकाल लिया। अब ये बोल रहा है कि उपरोक्त लागत फलन को लेते हुए साम्य मात्रा निकालने, समय नहीं साम्य मात्रा, क्या निकालना है साम्य मात्रा। तो साम्य मात्रा की दशा में, साम्य अवस्था की दशा में होता है MR इक्वल टू MC। अब MC और MR मीन्स अब दोनों वैल्यू यहाँ पे चलिए पुट करते हैं। MR का वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला, MR का वैल्यू हम लोगों ने निकाला 6 माइनस 18Q। MC की वैल्यू पहले से दे रखी मीन्स जो हम लोग पिछला क्वेश्चन किए तो उसमें MC की वैल्यू दिया था, कितना दिया था 10 माइनस 18Q प्लस 3Q स्क्वायर। अब दोनों से आप जब इधर सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये तो 6 जो है उधर चला जाएगा। फाइनली चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं हम लोग, 6 माइनस 18Q और ये जो आपका 18Q इधर है ये आएगा प्लस में, ठीक, तो एक 18Q इधर हो जाएगा। उसके बाद ये जो आपका 3Q स्क्वायर है उसको उधर ही रहने दीजिए, 3Q स्क्वायर को उधर ही रहने दीजिए और आपका जो ये 10 है इसको इधर लेते आइए, ठीक, और ये इधर क्या बच रहा है फिर 3Q स्क्वायर, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल और ये माइनस में है ये प्लस में है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू आपकी कितनी हो रही है माइनस में 4, माइनस में 4 इसकी वैल्यू हो रही है, ठीक। तो और इधर ये कितना था, इधर ये था 3Q स्क्वायर, तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या हो रही, क्यू की वैल्यू यहाँ पे मिल रही 4/3 मीन्स इस तरह से आप इसको देख सकते हो कि साम्यावस्था की तुलना में आपको मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट को बराबर करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके बाद अगला तरीका देखेंगे, अगला टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि एकाधिकारी में साम्यावस्था में अधिकतम लाभ कैसे ज्ञात किया जाता है। तो अवकलन में एकाधिकार की साम्यावस्था ज्ञात करने के लिए इसके लिए कुछ शर्त होती है। एकाधिकारी की साम्यावस्था होती है MR इक्वल टू MC। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपका 2018 में ही आया है तो ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या करना है आपको MR और MC दोनों बराबर करके निकालना है। अगर यहाँ पे आपको कुल लाभ निकालना हो तो इसको कैसे करोगे, तो इसको आपको करना है TR माइनस TC, शॉर्ट में इसे क्या बोलोगे R माइनस C। तो यहाँ से क्या ज्ञात होता है, लाभ ज्ञात होता है। अधिकतम लाभ की दशा में दो शर्तें होती हैं। पहला, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेशन, ये लाभ का जो है ये कितना होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। और दूसरी शर्त क्या होती है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन ये ऋणात्मक होना चाहिए, ठीक, यानी कि 0 से कम होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि यदि मार्ग फलन P इक्वल टू 20 माइनस 5Q है और औसत लागत फलन AC इक्वल टू Q है तो एकाधिकारी का साम्य मूल्य और अधिकतम लाभ आपको ज्ञात करना है। तो P कितना दिया हुआ है 20 माइनस 5Q और AC कितना दिया हुआ है Q के बराबर दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको जब टोटल रेवेन्यू निकालना है तो टोटल रेवेन्यू के लिए क्या करोगे, प्राइस इंटू क्वांटिटी। और आप जानते हो कि ये होता है, ठीक, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे PU हो गया और क्यू, ये दोनों PQ हो गया। PQ क्या निकला आपका, TR निकला। अब दोनों की चलिए वैल्यू पुट करते हैं। P की वैल्यू क्या दिया हुआ है, P की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 20 माइनस 5Q और एक Q यहाँ पे पहले से आपका ये वाला हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20Q माइनस 5Q स्क्वायर। इतना समझ में आया, चलिए शॉर्ट में और अच्छे से मैं बताता हूँ तब जाके आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, सबसे पहले आपको यहाँ पे निकालना है टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू निकालने का फार्मूला होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी। प्राइस आपको दिया हुआ है 20 माइनस 5Q, क्वांटिटी आपका है क्यू, तो इसी में आपको क्यू से कर देना है मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 20Q माइनस 5Q, एक यहाँ से पहले था एक और आ जाएगा तो ये 5Q स्क्वायर। ये आपका क्या निकलना, टोटल रेवेन्यू निकल चुका, ठीक।
अब इसका जो है टीआर आपका निकल गया, आपको एमआर निकालना, एमआर निकालना तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन करोगे तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 5 इंटू 2 मीन्स 10 क्यू। तो आपका जो है एमआर निकल चुका है, टीआर आपने निकाल लिया और एमआर आपने निकाल लिया, दो वैल्यू आपकी प्राप्त हो चुकी हैं। अब टोटल कास्ट मीन्स कुल लागत, कुल लागत क्या होगी, एसी इंटू क्यू, और एसी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है और एक क्यू पहले से, तो ये क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर दिया हो, क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे में फिर जो है क्यू के सापेक्ष इसका अवकलन कर देंगे और इसका अवकलन करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे जो एमसी मिलेगा, एमसी कितना हो जाएगा, टू क्यू हो जाएगा, एमसी कितना हुआ, टू क्यू। अब हम लोगों के पास तीन वैल्यू प्राप्त हो चुकी है, कौन कौन सी, एक तो टीआर की वैल्यू हमारे पास प्राप्त हो चुकी, एमआर की वैल्यू प्राप्त हो चुकी और एमसी की वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। अब चलिए देखते हैं कि इसमें आगे क्या करना है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है लेकिन इसमें कई कॉन्सेप्ट आपके एक साथ क्लियर हो जाएंगे। तो साम्यावस्था में क्या होता है, एमआर और एमसी दोनों आपस में बराबर होते हैं, एमआर की वैल्यू निकली थी कितनी 20 माइनस 10 क्यू और एमसी की वैल्यू कितनी निकली थी 2 क्यू। तो यहां से जब सॉल्व करोगे तो ये आपका 8 क्यू इक्वल टू 20 मीन्स क्यू इक्वल टू 2.5, क्यू की वैल्यू कितनी मिली है आपकी 2.5। ठीक, अब यहां से आपको अगर कुल लाभ निकालना है तो क्या करोगे, कुल लाभ निकालने के लिए टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कास्ट, टोटल रेवेन्यू आपका है 20 क्यू माइनस 5 क्यू स्क्वायर और टोटल कास्ट आपका कितना निकला है क्यू स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा फाइनली 20 क्यू माइनस 6 क्यू स्क्वायर। अब यहां से अगर आप क्यू की वैल्यू पुट कर दोगे तो इसका जो है कंप्लीट मान आ जाएगा कि कुल लाभ जो है कितना होगा। तो इस तरह का कि क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है तो इसको भी आप कर सकते हो, हालांकि इतना लंबा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसमें एग्जाम में आपके छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता है। अधिकतम लाभ के लिए शर्त क्या होती है, अधिकतम लाभ के लिए दो शर्तें होती हैं, लाभ का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन जीरो होना चाहिए और सेकंड ऑर्डर डेरिवेशन जीरो से कम होना चाहिए। ठीक, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन चलिए करते हैं लाभ का, 20 माइनस 12 क्यू इक्वल टू जीरो, ये 12 क्यू हो जाएगा इक्वल टू 20, यहां से q की वैल्यू कितनी निकली 5/3, ये समझ में आया कि नहीं। इसके अनुसार अधिकतम लाभ तब होता है जब ये जो लाभ होता है इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन ये जीरो के बराबर होगा। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन जब करोगे तो ये हो जाएगा आपका 20, अच्छा किसका कर रहे हो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन, लाभ का, और लाभ आपका कितना निकल के आया था, लाभ आपका निकल के आया था 20q माइनस 6q स्क्वायर। तो जब इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन करोगे तो ये 20q की जगह कितना हो जाएगा 20 माइनस, ये हो जाएगा आपका 6 और 2 ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो ये हो जाएगा 12, तो ये कितना हुआ 12 की, इसको जीरो के बराबर करोगे फिर यहां से आपका q का वैल्यू क्या मिल रहा है 20/12 मीन्स 5/3। तो q की वैल्यू यहां पे क्या मिली 5/3। दूसरी तरफ इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन जो है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन ये नेगेटिव होना चाहिए मीन्स जीरो से कम होना चाहिए। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन जब इसका करोगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन आप किसका करोगे, जो आपका निकल के आया है 20 माइनस 12 क्यू, इसका जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन करोगे मीन्स जो लाभ आपका निकल के आया है डी ये वाला, तो इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन करोगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 12 और ये क्या हो रहा है नेगेटिव हो रहा है, जो कि अधिक ये बोलता है अधिकतम लाभ के लिए दो शर्तें होनी चाहिए, तो दोनों शर्तों को संतुष्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि q इक्वल टू 5/3 पे यहाँ पे एकाधिकारी का लाभ जो है ये मैक्सिमम होगा। ये काफी लंबा क्वेश्चन है लेकिन इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट आपके एक साथ क्लियर हो गए होंगे। ठीक, तो इस तरह का भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको आसानी से कर ले जाना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एक डिमांड फंक्शन आपको दिया हुआ है, इसमें पी और क्यू ये क्रमशः वस्तु की कीमत और मात्रा है, यहाँ पे आपको बताना है माग की लोच, जबकि कीमत दो, एक तो 8 रुपए है और दूसरी 5 रुपए है। तो माग का फलन क्या दिया हुआ है, माग का फलन दिया हुआ है ट्वेंटी थ्री
माइनस फोर पी प्लस पी। इस क्वेश्चन को चलिए स्किप कर देते हैं हम लोग, छोड़िए इसको। यहां पे आ जाइए, ये दिया हुआ है एक मार्ग वक्र 150 माइनस 15 पी और प्राइस भी दिया हुआ। यहां से अगर आपको मार्ग की लोच ज्ञात करना है तो क्या करोगे, यहां से मार्ग की लोच ज्ञात करने के लिए इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन करोगे तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन इसका हो जाएगा माइनस 15। अब सारी की सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे, एक तो पी वाई क्यू और एक हो जाएगा डेल्टा क्यू अपान डेल्टा पी। तो डेल्टा क्यू अपान पी का वैल्यू कितना निकला था, माइनस 15, और पी अपनी जगह रहेगा, क्यू की वैल्यू कितना है 150 माइनस 15 पी। फाइनली ये माइनस 15 पी मीन्स पी की वैल्यू यहाँ पे 4 रख दिया और नीचे 150 रहेगा और यहाँ पे भी पी की जगह 4 रख दिया, तो माइनस 60 अपान 150 माइनस 60, माइनस 60 अपान 90 मीन्स माइनस 0.66। इस तरह से भी आप मार्ग की लोच निकाल सकते हो। तो आपके एग्जाम में अगर आप मार्ग की लोच निकालने के लिए आ रहा है तो आपको वहां पे कोई भी गलती नहीं करनी, क्योंकि आसानी से आपने देख लिया कि मार्ग की लोच आपको कैसे ज्ञात करना है, बहुत ही आसान है। ठीक, अर्थशास्त्र में समाकलन का उपयोग कहाँ पे होता, चलिए इसको भी देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने क्या देखा, अर्थशास्त्र में अवकलन का उपयोग, अब देख रहे हैं समाकलन का उपयोग। तो सीमांत लागत, औसत लागत और कुल लागत, इसका ये सब छोड़िए, सबसे महत्वपूर्ण इसका जो उपयोग है वो होता है उपभोक्ता की बचत ज्ञात करने में, और दूसरा क्या होता है, उत्पादक की बचत ज्ञात करने में। लेकिन आपसे जो एग्जाम में पूछता है वो सबसे ज्यादा पूछता है कंज्यूमर सरप्लस मीन्स उपभोक्ता की बचत को ज्ञात करने में। तो चलिए इसको हम लोग देखेंगे दो क्वेश्चन करके। कुछ और यहाँ पे फार्मूले हैं, जैसे सीमांत लागत, औसत लागत और कुल लागत। सीमांत लागत की वैल्यू क्या होगी, सीमांत लागत की वैल्यू होती है डी मीन्स, अगर आपको सीमांत लागत ज्ञात करना है तो आपको यह फार्मूला करना होता है। तो यहाँ पे अगर आपको इससे टोटल कास्ट निकालना है तो इसका आप कर दोगे अवकलन, किसका अवकलन करोगे, समाकलन करोगे, तो ये आपका फार्मूला निकल के आता है। ठीक, कुल लागत के लिए। आगे चलिए इसमें बढ़ते हैं हम लोग, सीधे एग्जाम्पल पे पहुंचते हैं। एक फर्म की सीमांत लागत दिया हुआ है और कुल लागत निकालना है, ठीक, जबकि 3 इकाई उत्पादन करने पे कुल लागत 300 रुपए होती है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। टोटल कास्ट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक, तो चलिए इसको करते हैं। टोटल कास्ट को क्या करेंगे निकालने के लिए, समाकलन करेंगे किसका, सीमांत लागत का मीन्स एमसी का। एमसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एमसी का वैल्यू दिया हुआ है 3 + 150 q - 9 q² इसका डी क्यू कर देंगे, ये 3 q हो जाएगा। जब इसका जो है समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 3 q, इसके साथ एक q आ जाएगा, और ये जो 115 q था ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 150 q² / 2 और माइनस फिर अपनी जगह रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा q³ / 1/3। ठीक, q³ / 1/3 और प्लस में एक जो है यहाँ पे सी आ जाएगा। तो ये फिर अगला क्या होगा, 3q + 75q² - 3q³ + c। अब यहां से आपको औसत लागत निकालना, ये तो आपने टोटल कास्ट निकाल लिया। औसत लागत को क्या करेंगे, औसत लागत को निकालने के लिए टोटल कास्ट अपान क्यू कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3q / q - 3, 75q² / q - 75q और 3q³ / q - 3q² और c/q। यहां से आपको क्या निकाल मिल गया, ac मिल गया है। तो आपने अभी tc और ac दोनों को ज्ञात कर लिया। अब क्योंकि q = 3 और tc = 300 दिया है, तो सारे के सारे वैल्यू पुट कर दीजिए। tc की वैल्यू 300 है, q की जगह 3 दिया है मीन्स 3 × 3 + 75 3² - 3 × 3 + c। ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 75 × 9 - 27 + c, 9 + 675 - 27 + c। यहाँ से c का जो वैल्यू मिल रहा है वो मिल रहा है -357। तो टोटल कास्ट क्या होगा, टोटल कास्ट 3q + 75q² - 3q³ - जो c का वैल्यू अभी अभी मिला है इसकी वैल्यू यहाँ पे हमने रख दिया, तो ये टोटल कास्ट का फंक्शन प्राप्त हो गया। इसी तरह एवरेज कास्ट का भी क्या करेंगे, जो सी की वैल्यू मिली है उसको हम लोगों ने यहाँ पे रख दिया, तो ये भी आपको प्राप्त हो जाता है।
थोड़ा सा उलझाऊ था ये क्वेश्चन, लेकिन ठीक है, जिन लोगों के समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि स्थिर लागत 100 रुपये है और सीमांत लागत दिया हुआ है तो कुल लागत फलन ज्ञात करना है। कुल लागत के लिए क्या होता है, समाकलन करना होता है एमसी का। टोटल कास्ट के लिए, टोटल कास्ट ज्ञात करने के लिए एमसी का अगर हम लोग समाकलन कर दें तो वो मिल जाता। तो चलिए कर देते हैं 6x+3 का समाकलन, ये हो जाएगा 6x² / 2 + 3x + c। अब यहाँ पे स्थिर लागत है 100 रुपये, स्थिर लागत 100 रुपये है, तो ऐसी दशा में उत्पादन शून्य होने पर भी स्थिर लागत 100 रुपये ही बनी रहेगी तथा कुल लागत भी 100 रुपये होगी। तो ऐसी दशा में क्या होगा, टीसी, टीसी इक्वल टू सी इंटू 0 + 3 × 0 + c = 100। तो कुल लागत फलन यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुल लागत फलन यहाँ पे हो जाएगा 3x² + 3x + 100। अब जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है अर्थशास्त्र में समाकलनों के प्रयोग का, वो है कंज्यूमर सरप्लस, और अगला एक और आता है प्रोड्यूसर सरप्लस। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, उपभोक्ता बचत कैसे ज्ञात किया जाता है। इसके अलावा आपका अर्थशास्त्र में समाकलन के प्रयोगों से और कुछ खास नहीं पूछता है। तो उपभोक्ता की बचत को समाकलन विधि के माध्यम से ज्ञात किया जाता है, और इसका फार्मूला होता है, समाकलन करेंगे आप 0 से लेकर x तक की लिमिट लेंगे, यहाँ पे आपको रखना है डिमांड फंक्शन मीन्स dx - p × x, ये इसका फार्मूला है। चलिए सीधे हम लोग एग्जाम्पल की सहायता से इसको करेंगे। मान लीजिए कि एक मार्ग वक्र आपको दिया हुआ है p = 100 - 5x + 3x² और यहाँ पे आपको 3 दिया हुआ है, ये 5 नहीं 3 है, ठीक, ये बाई मिस्टेक यहाँ पे 5 हो गया है। x की वैल्यू कितनी दी हुई, 3 दी हुई। तो चलिए इस क्वेश्चन से हम लोग क्या करेंगे, कंज्यूमर सरप्लस मीन्स cs को हम लोग ज्ञात करेंगे। यहाँ पे मार्ग वक्र दिया p = 100 - 5x + 3x² और मार्ग की मात्रा x = 3 दिया हुआ है, तो x = 3 चलिए पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। तो हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू जब रख दिया तो ये हो गया 100 - 5 × 3 + 3 × 3 × 3 × 3। अब क्या होगा, ये जब हर जगह हम लोगों ने 3 की वैल्यू रख दिया तो ये आपका 100 अपनी जगह रहेगा, माइनस ये हो जाएगा आपका 15 और प्लस ये हो जाएगा आपका 27 मीन्स 100 - 42, ये कितना आपका निकल के आ रहा, 48 निकल के आ रहा। यहाँ पे जो भी आया है उसको जाने दीजिए, ये आपका 48 निकल के आया। अब उपभोक्ता बचत को चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। तो उपभोक्ता बचत को ज्ञात करने का फार्मूला सबसे पहले हम लोगों ने लिख लिया है, ये इसका है फार्मूला। इस फार्मूले की सहायता से निकालना, मार्ग वक्र दिया हुआ है 100 - 5x + 3x² × dx - p × 3, x की वैल्यू कितना दिया, 3 दिया है, इक्वेशन में 5, आपका क्वेश्चन में 5 लिखा लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में ये 3 है। तो चलिए 100x हो जाएगा ये, माइनस ये हो जाएगा आपका 5x² / 2 प्लस ये आपका हो जाएगा 3x² / 3, और इसमें लिमिट कितनी लगेगी, 0 से लेकर 3 तक, और ये माइनस में कितना हो गया आपका, यहाँ पे p की वैल्यू कितनी निकल के आई थी आपकी, 48 निकल के आई थी, और ये 3। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे होगा, यहाँ पे 30 नहीं होगा, 144। अब इसकी सहायता से आप ऐसे इसको जब सॉल्व कर लोगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू इससे थोड़ा सा अलग आएगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, तो आगे के स्टेप इसके पूरी तरह से सही नहीं है। तो आप लोग इस तरीके के माध्यम से अपना ज्ञात कर सकते हो, बाकी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कंज्यूमर सरप्लस पे स्पेसिफिक अभी एक वीडियो आएगा जिसमें प्रीवियस ईयर के लगभग 10 क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो फिर आपका वहां से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कंज्यूमर सरप्लस से रिलेटेड जब आपको मैं 10 क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा प्रीवियस ईयर के, तो आपकी प्रॉब्लम वहां पे फिर सॉल्व हो जाएगी, तो आपको इसको लेके बिल्कुल टेंशन में नहीं होना। एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है मार्ग फलन p = 50 - 5x - x² और p की वैल्यू दिया 0, तो अगर p जीरो हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, फिर 50 - 5x - x² या यहाँ पे फिर फाइनली जो है x की दो वैल्यू निकल के आएंगी, या तो फिर क्या हो जाएगा x = 5 हो जाएगा, और या फिर x = -10 हो जाएगा। तो -10 को छोड़ दिया जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव में तो होगा नहीं, तो x = यहाँ पे 5 लिया जाएगा,
और पी इक्वल टू यहाँ पे जीरो है। अब कंज्यूमर सरप्लस चलिए निकालते हैं। यहां से जीरो से फाइव तक की लिमिट लगेगी, डिमांड फंक्शन जो आपका दिया हुआ है और पी इंटू एक्स, ये हो जाएगा जीरो इंटू फाइव, ठीक, क्योंकि पी की वैल्यू कितनी मिली है, जीरो मिली, एक्स की हमने कितना निकाला, फाइव निकाला है, बाकी चीजें अपनी जगह हमने रख दिया, ये हो जाएगा 50x माइनस 5x स्क्वायर अपान 2 माइनस x क्यूब अपान 3, और ये 0 से लेकर के 5 तक की यहाँ पे लिमिट लगी। आगे चलिए, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये 50 हो जाएगा, और x की वैल्यू हमने कितना ज्ञात किया, 5 ज्ञात किया, उसकी वैल्यू पुट कर दिया, यहाँ पे भी x की वैल्यू पुट कर दिया, हर जगह सारी वैल्यूज पुट करने पे फाइनली जो आंसर मिल रहा वो मिल रहा है 83.33। तो इस तरह से आप कंज्यूमर सरप्लस ज्ञात कर सकते हो, ठीक। तो यहाँ पे आज की ये क्लास आपकी खत्म होती है, कंप्लीट होती है। इसमें हम लोगों ने कम टाइम में ही काफी सारे टॉपिक को डिस्कस किया है, काफी सारे पॉइंट पे बातें हुई हैं। उम्मीद है कि जो लोग ये पूरा वीडियो देखेंगे उनको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, निश्चित तौर पे समझ में आ जाएंगी। बाकी कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस, उपभोक्ता बचत और उत्पादक बचत, इनके लिए अभी एक स्पेशल वीडियो आएगा, तो वहां से फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कोई भी चीज अगर आपकी यहाँ पे नहीं समझ में आई है तो उन वीडियो को देखने के बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व में हो जाएगी। तो इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है। उम्मीद है कि चीजें आपको जरूर समझ में आई होंगी और आपके एग्जाम के लिए ये यूजफुल होंगी।